बहुत सारे लोग जनाब जिनका पैशन कुछ और हो होता है वो कहते हैं जनाब हम तो मॉडल बनना चाहते थी या एक्टर बनना चाहते थे या इंजीनियर बनना चाहते थे लेकिन फैमिली ने कहा मामा ने कहा पापा ने कहा आप आप डॉक्टर ही बने इस फील्ड में इस... चले जाएं तो ये कितना अमल दखल होता है बहुत सारी है हमारी सोसाइटी में और इसका अमल दखल बहुत ज्यादा है लाइक वो अपने इंटरेस्ट पे अगर नहीं जाएंगे अपने पैशन को फॉलो नहीं करेंगे मार्क माई वर्स ऑलवेज फॉलो योर पैशन ऑलवेज फॉलो डोंट फॉलो योर प्रोफेशन लाइक आपकी कभी कभी ऐसा होता है कि आपकी डिग्री आईटी की होती है इंजीनियरिंग की होती है मेडिकल की होती है आ, लेकिन आपका इंटरेस्ट उस फील्ड में नहीं होता है तो आपको बहुत देर बाद जाके पता चलता है मैं डॉक्टर माडा उम्मीद करते हैं आप सब कैरियर से होंगे शेयरिंग ऑफ प्रोफेशनल विजडम में आप सबको खुशामदीद कहते हैं आज एक ऐसी पर्सनैलिटी को हमने मधु कर रखा है जो जिसपे हम बात करने जा रहे हैं कि टाइम मैनेजमेंट क्या होता है इसको किस तरह से हम बेहतर बना सकते हैं और अपनी जो सेल्फ एवेल्यूशन है वो किस तरह से कौन कौन से ऐसी स्ट्रेटजीज़ हैं जिनको अपनाया हुए कर कर सकते हैं बेहतर और इसके साथ साथ जनाब ए का जो रोल है उसको किस तरह से हम अपनी प्रोफेशनल लाइफ में इस्तेमाल कर सकते हैं उसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हो सकते हैं डिसएडवान्टज़ेस क्या हो सकते हैं डिग्री और स्किल्स का क्या कॉम्बिनेशन है नेटवर्किंग के बारे में भी बात करेंगे कि कितना फ़ायदा मंद दे सकती है और पैशन एंड प्रोफेशन ये दोनों चीज़ें दोनों जो आपने कॉम्प्लीमेंट्स रखे होंगे कि पैशन अगर है और आपके पास प्रोफेशन है तो दोनों चीज़ें किस तरह से रिलेट कर सकती हैं इस पूरे मौजूक को इस तमाम तर चीज़ों को डिस्कस करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मिस राबिया वकार जो कि आई टी प्रोफेशनल हैं और साथ साथ यूथ एक्टिविस्ट भी हैं और बिजनेस मैनेजर हैं असलम वेलकम टू तो द शो हाउ आर यू वालेकुम हावर थैंक्स फॉर हैविंग मी है राबिया थोड़ा सा बताएं कि आप भी माशाल्लाह बड़ी एक्सपर्टीज रखती हैं टाइम मैनेजमेंट के हवाले से यूथ एक्टिविस्ट भी हैं और आईटी प्रोफेशनल भी हैं और बिजनेस में भी आपकी काफ़ी तजुर्बा है तो थोड़ा सा बताएं कि टाइम को हम किस तरह से मैनेज कर सकते हैं चूंकि आजकल जिस तरह से हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग टाइम मैनेजमेंट की वजह से अपनी गोल्स को उस तरह से अचीव नहीं कर पाते गोल ऑरेंटेड नहीं हो पाते क्या करना चाहिए थोड़ा सा इस पर बताएं वेल फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट इट्स नॉट टाइम मैनेजमेंट इट्स ऑल अबाउट सेल्फ मैनेजमेंट आप खुद को जितना बेहतर बना सकते हैं उतना बताएं एंड स्पेसिफिकली ये मैं कहूँगी दैट वी डोंट हैव अ कंट्रोल ऑन टाइम टाइम हैज़ अ कंट्रोल ऑन अस सो अब हमें यह देखना है कि टाइम तो हमारे लिए देखता नहीं है ना ना रुकता है उसने तो चलते जाना है लेकिन हमने अपनी एक्टिविटीज़ को हमने आप अप, अपने आप को किस तरह मैनेज करना है कि हम टाइम के अकॉर्डिंग अपना सारा काम कर सकें और पंचुअलिटी इसमें आ जाती है बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है सो दिस इज़ द थिंग अब सेल्फ मैनेजमेंट को हम किस तरह से बेहतर बना सकते हैं सो अल्टीमेटली सेल्फ मैनेजमेंट हमेशा सेल्फ एवेलशन से ही बेटर हो सकती है वी हैव टू फोकस ऑन सेल्फ़ एवोलिये एज मच एज वी कैन एंड फॉर दिस मैं ये सजेस्ट करूँगी कि हमें वीकली बेसिस पे अपनी सेल्फ एवेलेशन करनी चाहिए अब इसमें बहुत सारे हमारे पास डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं एप्लीकेशन हैं जिनका यूज़ करते हुए हम इसको बहुत ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हैं एंड द अदर थिंग इज़ दिस जो हम खुद से यू नो जो हम लोग बाय हैंड और अपने माइंड को कंट्रोल करते हुए जो हम कर सकते हैं थिंग इज कि हम कॉन्टेंट्स बनाएं हर वीकली बेसिस पे हम अपने बनाएं और उस पर देखें कि हम कहाँ लाइक कर रहे हैं अच्छा जिस तरह एज वी आर लिविंग इन डिजिटल एज और इस एज में हमारे पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं और जहाँ ज्यादा अपॉर्चुनिटीज हों वहाँ लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं स्पेशली खातन के हवाले से हम बहुत सारे मसाइल देखते हैं right आप thing. क्या देखते हैं वट शुड बी द्रेटीज के गोल को अचीव करने के हवाले से गो और जब बंदा होना चाहते है, तो क्या strategies को अपनाया जाए इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट एंड वेरियस इसमें सबसे पहले तो मैं कहूँगी कि आपका जो माइंड सेट है पहले तो उसको क्लियर करें आपके गोल्स क्या हैं आपके एम्बिशन क्या हैं पहले तो ये क्लियर होना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत सारे लोग मैं देख रही होती हूँ उनका प्रोफेशन कुछ होता है उनका पैशन कुछ होता है सो so सबसे पहले तो ये है कि आपका प्रोफेशन और पैशन दे मस्ट बी सेम सेम होना चाहिए एग्जैक्टली exactly. अलग अलग अच्छा लोग बात करते हैं जिस तरह से आप पहले हम कह रहे थे कि प्रोफेशन और पैशन का जो एक साथ होना कितना ज़रूरी है बहुत सारे लोग जनाब जिनका पैशन कुछ और हो होता है वो कहते हैं जनाब हम तो मॉडल बनना चाहते थी या एक्टर बनना चाहते थे या इंजीनियर बनना चाहते थे लेकिन फैमिली ने कहा मामा ने कहा पापा ने कहा कि आप डॉक्टर ही बने आप इस फील्ड में इस... चले जाएँ तो ये कितना अमल दखल होता है ऐसे इसका? बहुत सारी एग्जाम्पल्स हैं हमारी सोसाइटी में और इसका अमल दखल बहुत ज़्यादा है लाइक like वो अपने इंटरेस्ट पे अगर नहीं जाएंगे अपने पैशन को फॉलो नहीं करेंगे मार्क माई वर्ड्स ऑलवेज फॉलो योर पैशन ऑलवेज फॉलो डोंट फॉलो योर प्रोफेशन लाइक आपकी कभी कभी ऐसा होता है कि आपकी डिग्री आई की होती है इंजीनियरिंग की होती है मेडिकल की होती है लेकिन आपका इंटरेस्ट उस फील्ड में नहीं होता है हुँ. तो आपको बहुत देर बाद जाके पता चलता है सो so, जैसे जैसे आपकी नेटवर्क आप आप बाहर जाते हो 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 जॉब में में आते प्रैक्टिकल में आते so प्रैक्टिकल लाइफ नहीं अब हमने डिग्री ले ली है किस को जिम्मेदार ठहराती है, अच्छा, है, है? पेरेंट्स भी, ही फैसला करते हैं बच्चों का जब वो इंटर में हो रहे हैं तो बच्चे का क्या रोल होना चाहिए उसको अपनी सेल्फ जो एक नेचुरल स्किल्स होती हैं नेचुरल जो टैलेंट होता है वो किस तरह से आइडेंटिफाई करे उसको पता चले कि हाँ मेरे अंदर ये पैशन है या ये टैलेंट है इसको मैं आगे परसू करके अपने करियर को बेहतर बना सकता आई मस्ट से दैट पेरेंट्स एंड हैिल्ड्रेन बोथ प्ले अ वेरी वाइटल रोल दोनों को uh, समझना चाहिए शुरू से पेरेंट्स को भी ऐसी स्ट्रेटेजीज और ऐसा उनको अपॉर्चुनिटीज देनी चाहिए जिससे वो अपने स्किल्स को एक्सप्लोर कर सकें एंड सो दैट पेरेंट्स गेट टू नो कि उनके इंटरेस्ट कहाँ पर है और उनको उसी चीज में ज्यादा मोटिवेट करना चाहिए एम्बोल करना चाहिए ताकि वो उसी को अचीव करें, so that, वो वहाँ पे ज़्यादा अपना दे सकते हैं है कि आपके डिग्री ना भी हों तो कोई नहीं आपके स्किल्स होने चाहिए। तो आप क्या डिग्री होना कितना अहम है कितना जरूरी है आपके करियर में आपके जो जहाँ आप जॉब कर रहे हैं या बिजनेस में जाना चाह रहे हैं तो डिग्री का जा रोल कितना अहम है स्किल्स पे तो लोग बात कर ही रहे

बट इन कमिंग ईयर्स ए आई विल क्रिएट ए आई सो दिस विल गोना बी डिफ़िकल्ट बिकॉज अल्टीमेटली ए आई गोना रिप्लेस द ह्यूमन बींग्स सो जॉब्स जो हैं वो ख़त्म होने वाली हैं तो आप एक स्किल के साथ एक जगह पर नहीं रह सकते आपको बहुत सारी स्किल्स मल्टाई टैलेंटेड होना पड़ेगा मल्टाई टास्कर होना पड़ेगा और अपने आप को इतना इनेबल करना पड़ेगा कि आप बहुत सारी चीज़ें कर पाओ अच्छा मैं यहाँ पे बात करूँगी कि बहुत सारे लोग समझते हैं कि नहीं हम सिर्फ इस एक एक्सपर्टी में ही मतलब हम एक ही एक्सपर्टी कर मतलब अच्छे हैं एक ही चीज़ में अच्छे है। so it's not like that. हैं सो इट्स नॉट लाइक दैट आपके अंदर हम अशरफ अलमखलूक हैं अल्हम्दुलिल्लाह और जैसे कि मैं एक एग्जांपल दूं एक ऑरेंज की एग्जांपल है हालांकि उसका साइज़ इतना सा होता है राइट right? लेकिन उसमें हम देखते हैं कितनी क्वालिटीज़ अल्ल ने रखी होती हैं सो इसी तरह मतलब लाइक उसकी क्वालिटीज़ की अगर हम बात करें तो उसमें आपकी जो है इंटरनल uh, ऑर्गन्स के लिए इट्स गुड हाइड्रेशन के लिए अच्छा है और इसके अलावा योर आपकी स्किन के लिए अच्छा है दे आर मल्टाई मल्टाई क्वालिटीज़ ऑफ एन ऑरेंज तो हम में कैसे एक या दो स्किल हो सकती हैं अच्छा पहले दौर में तो यही कहा जाता था कि आप एक ही चीज़ को अडॉप्ट करें और फिर उसी में लग जाएँ लेकिन आप अभी आप कह रही हैं कि section. आपके पास डिफरेंट स्किल्स होनी चाहिए डिफरेंट exactly, डोमेन्स में exactly. आप काम कर सकते हैं बिकॉज़ इन कमिंग इयर्स आप एक स्किल के साथ नहीं सर्वाइव कर सकते यू हैव टू बी मल्टी टैलेंटेड और आप कर सकते हैं अपने सिर्फ माइंडसेट को चेंज करने की जरूरत है वी कैन डू अ लॉट राइट अच्छा आपने एक की बात की क्योंकि आप मल्टी प्रोफेशनल्स हैं और जिस तरह आईटी भी आईटी में भी एक्सपर्टीज हैं यूथ एक्टिविस्ट भी हैं और बिजनेस में भी आपका खा, खासा तजुर्बा है तो आप बताएं कि एआई जिस तरह से आप कह रही हैं कि एआई एआई को आगे बनाएगा जाके तो फिर जो जॉब लोग करने वाले हैं उनके लिए तो स्पेस बहुत कम हो जाएगी मार्केट में एग्जैक्टली exactly, ऐसे ही है लेकिन जो भी इट्स अ मशीन Hmm. अब इस तरह से प्रोएक्टिवली वो वर्क कर सकती है बट एट द सेम टाइम उसको बहुत सारी मिस्टेक्स भी कर सकती है सो दिस इज़ अ थिंग कि अभी जो जॉब लेवल है वो अभी सबसे पहले वो अपर लेवल को हिट कर रहे हैं लाइक like, जो कोडिंग है अब ज्यादातर अब जब से चैट जीपी आया कंटेंट राइटर्स की सब सबसे ज्यादा जो जॉब मार्केट में है वो ख़त्म हुई है बिकॉज ऑफ चैट जीपी सो इन कमिंग ईयर सब अभी ऊपर से जा रहे हैं देन कोडिंग की खत्म होंगी देन प्रोग्रामिंग की मैं ये नहीं कहती बिल्कुल ख़त्म होंगी बट

अगर कोई शख्स बोल रहा है इंग्लिश में बात कर रहा है तो हम समझते हैं कि शायद ये अच्छी कम्युनिकेशन करना जानता है ये बेहतर है हमसे तो आपका इस पर क्या पॉइंट ऑफ व्यू है इंग्लिश का होना और कम्युनिकेशन एक चीज़ है वेल अकॉर्डिंग टू माई परस्पेक्टिव दिस इज टोटली रॉन्ग कम्युनिकेशन इज अ स्किल एंड इंग्लिश इज अ लैंग्वेज दे आर टोटली पोल्स अपार्ट वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट कि कम्युनिकेशन स्किल अच्छे होना इट मीन कि आपको इंग्लिश आती है तो hmm. ही आपके कम्युनिकेशन स्किल अच्छे होंगे और आप सबसे बेटर ये इस पर वर्क करें आप जितना लोगों से बात करेंगे डोंट बी फ़ेयर ऑफ़ डूइंग मिस्टेक्स, कि मैं बात करूंगा तो मिस्टेक होगी एंड ऑल दैट। आप जितना प्रैक्टिकली इसको परफॉर्म करेंगे आप उतना बेहतर होते जाएंगे। सो so, मैं ये सबको कहती हूँ कि जो मिस्टेक है कंसिडर इट योर बेस्ट टीचर यू लर्न अलॉट फ्रॉम इट अच्छा लोग बड़ा फियर होता है ऑडियंस को फेस करते yeah, हुए तो उस फियर को किस तरह से खत्म किया जा सकता है वेल यू कैन ओवरकम दिस फियर बाई गिविंग द अपॉर्चुनिटीज टू अगर आपको अभी डर लग रहा है एक बार बीस लोगों के सामने बोले फिर तीस लोगों के सामने बोले फिर सौ लोगों के सामने बोले ऑटोमेटिकली आपके अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप होगा बट फर्स्टली यू हैव टू स्पीक टू योर सेल्फ ये right. मैं बहुत सारे लोगों को कहती हूँ खुद से बात exactly. करें एग्जैक्टली दैट्स द फर्स्ट स्टेज टू इम्प्रूव योर कम्युनिकेशन स्किल्स अपने आप से बात करें आपको किसी का डर नहीं होगा कोई सुनेगा नहीं जब आप खुद से बात करेंगे आपको पता चलेगा ओहो आई डिट द मिस्टेक हेयर सो आई एम डूइंग मिस्टेक हेयर सो यू विल गेट टू नो डैट वेयर द इम्प्रूवमेंट रिक्वयर्ड और आखिरी सवाल जो मैं आपसे करना चाह रहा हूँ ये कहा जाता है कि नेटवर्किंग इज द नेटवर्थ इसमें कितनी है इट्स टोटली ट्रू इनफैक्ट हमें ऐसे बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो नेटवर्किंग को प्रोमोट कर रही हैं सो आई गेस वी हैव टू प्ले आर वाइटल रोल हेयर हमें जहाँ जहाँ अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं स्पेशली प्रोफेशनल हो या पर्सनल हो वी हैव टू कनेक्ट विद द पीपल अल्टीमेटली ये आपको बहुत सारे बेनिफिट्स देगा इवन यू आर डूइंग बिजनेस और इवन यू आर अर जो भी पर्सन डजेंट मैटर आपको कम्यूनिटी जब आपकी बिल्ड होती है उसके बहुत सारे फायदे होते हैं

वेल जनाब हमारे साथ मौजूद थे मिस राबिया बकार जो कि आईटी प्रोफेशनल हैं साथ साथ बिजनेस मैनेजर और उसके साथ साथ यूथ एक्चुअली एक्टिविस्ट भी हैं और बहुत सारे इवेंट्स में जनाब लोगों को मोटिवेट भी करती हैं और आज भी इसी चीज़ का कारण था कि हमारे साथ मौजूद थी आप लोगों को अवेयर करने के लिए वो लोग जो हिम्मत हार चुके हैं उनको मोटिवेट करने के लिए क्या एज इंस्पिरेशनल स्टोरी भी आ, हमारे साथ मौजूद थी और बता रही थी कि जनाब आप इन तमाम तर चीज़ों को किस तरह से बेहतर तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं अपने गोल्स को किस तरह से गोल एरिएटेड हो के टारगेट्स को अचीव कर सकते हैं तो उम्मीद करते हैं आज का सेगमेंट आज का ये शो आपके लिए बहुत मुफीद साबित होगा अपने मेज़बान डॉक्टर या माडर को इजाजत दीजिए अला नगेबान